ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पर ही फॉलो कर सकते हो उपाय क्लासेस के नाम से ही। अगर आपको लगता कि मैं आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है, तो आप दिए गए UPI ID इस पर किसी भी ऐप से आप मुझे पे कर सकते हो, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके मुझे आप पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपकी इंग्लिश में, आपकी काफ़ी इंग्लिश एनहेंस हो रही है, तो आप मुझे पे कर सकते हो अगर आपको लगता है। तो बेसिकली पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव तरह जब बेस्ट काम करता है तो आखिर वो कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या मीनिंग कन्वे होता है हिंदी और इंग्लिश में, वो सारी चीज़ें देखते हैं। बेसिकली बेस्ट आपका जो है वो गुड एडजेक्टिव, जो आपकी पोस्ट डिग्री की एडजेक्टिव है उसकी सुपरलेटिव डिग्री है। नॉट अ बिग डील, ये सभी लोगों को मालूम है। इसका पहला यूज़ होता है द मोस्ट एक्सलेंट टाइप और क्वालिटी, सबसे अच्छे टाइप या क्वालिटी के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि दैट इज़ द मूवी आई हैव एवर सीन, दो सेंटेंसेस बीच में कंजंक्शन दैट छुपा हुआ है। ये अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है, मतलब मैंने काफ़ी मूवी देख चुका हूँ मैं, उसमें से अभी तक की सबसे अच्छी मूवी है। तो ध्यान से आप देखें तो ये नाउन है, इसके पहले ये एडजेक्टिव है, और उसके ठीक पहले ये आपका द आर्टिकल है, डिटरमाइनर। याद रखना जब भी बेस्ट यानी कि सुपर डिग्री के तौर पर कोई भी आपकी एडजेक्टिव आती है तो उससे पहले आपको द लगाना कंपलसरी होता है, या फिर इसके अलावा कुछ और भी आते हैं वर्ड्स, जैसे मैं बता देता हूँ, ही रॉट हिज बेस्ट सॉन्ग्स बिफोर ही वॉज 25, जब उसकी उम्र 25 थी तो उससे पहले उसने अब तक के सबसे अच्छे अपने गाने लिखे हुए थे। आप चाहें तो द की जगह पर हेज योर अवर पजेसिव प्रोनाउन, या राम्स या मोहनस या रवीस, इस तरह के कुछ पजेसिव नाउन का भी यूज आप कर सकते हैं। सी वॉज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स ऑफ हर जनरेशन, वो अपने समय की, अपने टाइम की, अपने जनरेशन की सबसे बेस्ट टेनिस प्लेयर्स में से एक थी। बहुत सारे प्लेयर्स और भी टैलेंटेड थे लेकिन उनमें से वो एक थी। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, सर यहाँ पे वन ऑफ का मतलब क्या हुआ, वो प्लेयर तो एक थी, यहाँ पे प्लेयर्स क्यों कर दिया है। वन ऑफ का मतलब ये है कि प्लेयर्स तो बहुत सारे थे, उनमें से ये एक अकेले प्लेयर थी। इसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी प्रोनाउन एडवांस में बता रखा, आप जाकर के देख सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, इज दैट योर बेस्ट सूट, क्या ये तुम्हारा अब तक का सबसे बेस्ट सूट है। यहाँ पर पॉजिटिव सुपर डिग्री का यूज़ किया गया है, यहाँ पर देखिए योर का यूज़ किया गया है। दे हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, वे सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं सिंस दे वाज चाइल्ड, जब ये बचपन में, जब वो छोटे थे तब से वो अब तक सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं, क्लोज फ्रेंड। द कंपनीज बेस्ट एवर रिजल्ट्स, अब इस सेंटेंस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका हिंदी मतलब तो यह कंपनी का सबसे अब तक का सबसे अच्छे रिजल्ट्स ये निकल के आए हैं। रिजल्ट्स आपका नाउन है, उसके ठीक पहले एवर लगा है और ये बेस्ट लगा है। इनके बीच में हाइफन इसलिए लगाया है, ये डैश नहीं बल्कि हाइफन है, क्योंकि दोनों वर्ड एक ही हैं जो एक साथ इसके लिए एडजेक्टिव तौर पर आए हैं। ये हाइफन क्यों लगाया जाता है, इसके ऊपर मैंने 29 या 30 मिनट का लेक्चर हाइफन के ऊपर अलग से पंक्चुएशन एडवांस में दे रखा है, आप जाकर इसको डिटेल में देख सकते हो। एक और देखते हैं, वी वॉन्ट द किड्स टू हैव द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अब तक की सबसे अच्छी एजुकेशन जो उपलब्ध हो सकती है वो उनको उपलब्ध कराई जाए। एक यूज़ बेस्ट का होता है एन्जॉयबल या हैप्पीएस्ट मोमेंट के तौर पर, जैसे कि दोज वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, वो साल जो है ना वो मेरे साल के सबसे अच्छे साल थे। तो हम यहाँ पर बेस्ट की जगह पर हैप्पीएस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी सेंस सेम रहेगा। एक यूज़ बेस्ट का होता है सुटेबल या एप्रोप्रिएट, उचित के सेंस में, सबसे उचित के सेंस, सबसे सही के सेंस में। जैसे कि मैं बोलना चाहूँ, वॉट इज़ द बेस्ट वे टू कुक पोटैटोस, पोटैटो पकाने के या बनाने के सबसे अच्छे तरीका क्या है, तो मैं या तो सुटेबल या एप्रोप्रिएट तरीके की मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर यह भी बोल सकता हूँ, वॉट इज़ द मोस्ट सुटेबल या वॉट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू कुक पोटैटोस, वे बेस्ट को मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ इन वर्ड्स से। द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी टू अपोलोजाइज, मतलब सबसे अच्छा तरीका केवल एक ही बचा है अपने पास, जो एप्रोप्रिएट सुटेबल समझ में आया है कि जाकर के माफ़ी मांग ली जाए। ही इज़ द बेस्ट मैन ऑफ फॉर द जॉब, सॉरी इस जॉब, इस खास काम के लिए वो अब तक का सबसे सही आदमी मुझे समझ में आया है, हैं तो काफ़ी सारे लेकिन ये ज़्यादा समझ में आया है।
इट इज़ द बेस्ट ऑफ यू पर देते हैं, सबसे अच्छा ये होगा कि तुम अभी चले जाओ। तो बेस्ट का यूज़ यहाँ पर किया गया है, ये कॉम्प्लीमेंट है इट का। इट का मतलब कोई सिचुएशन के बारे में बातचीत चल रही है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अब जा करके संपूर्ण अरेंज पेड इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 335 या 340 या उससे ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं, उसको जा करके देख सकते हो। आई एम नॉट इन द बेस्ट पोजिशन टू एडवाइस यू, अभी मेरी स्थिति वो नहीं है कि मैं तुम्हें सबसे अच्छी पोजिशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें एडवाइस कर सकूँ, मतलब मेरी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि मैं तुम्हें कोई सलाह भी दे सकूँ। बेस्ट, किसी भी सेंटेंस में जब एडवाइस तरह काम करता है तो आपको कुछ बातों पर फोकस और ध्यान उनका रखना चाहिए। पहली बात, बेस्ट जब एडवर्ब का काम करता है तो उसकी पॉजिटिव डिग्री वेल होती है, जब ये एडजेक्टिव तरह काम करती है तो उसकी पॉजिटिव डिग्री गुड होती है। चाहे वेल हो या गुड हो, दोनों की कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बेटर और बेस्ट होती हैं रेस्पेक्टिवली, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कैसे, जिसका पहला मतलब होता है मोस्ट, तो इसका एक मतलब ये भी होता है टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, मतलब जो भी चीज़ें अभी तक की उपलब्ध हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ये सही है, सबसे अच्छी है। जैसे कि विच वन डू यू लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या पसंद है, हैं तो चीज़ें बहुत सारी, उनमें से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना कि ये बेस्ट किसके लिए आया है, तो मैंने कहा विच वन डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी वाली पसंद है, मैंने कहा ये वाली, मैंने कहा कितनी पसंद है आपने, सबसे ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब ये एम्फेसाइज कर रहा है मेरा लाइक को, तो लाइक मेरी वर्ब है और वर्ब के लिए आया होता है एडवर्ब। एक बात ये क्लियर हो गई है। अगर आपके मन में आता है सर यहाँ पे दा क्यों नहीं लगा है, तो अगर मैं दा डिटरमाइनर लगाऊँ यहाँ पर या फिर योर, राम्स, कुछ भी लगाता हूँ तो वो किसी न किसी नाउन के लिए आए हुए होते हैं, यहाँ पर कोई नाउन तो है ही नहीं। अभी आपके मन में एक आगे क्वेश्चन और आएगा जब मैं इसको नाउन की तरह पढ़ाऊंगा कि सर आपने यहाँ पे द बेस्ट तो लिखा लेकिन नाउन नहीं आया, उसकी कंडीशन अलग होगी। फिलहाल मैं ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इनके पहले यानी कि बेस्ट के पहले आपको ना तो योर, आवर, हिज कुछ नहीं लगा, ना तो राउंड्स वगैरह लगाना है। और ये आया किसके लिए, ये सेंटेंस पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि ये मेरा लैक के लिए आया हुआ है, यानी कि वर्ब के लिए, वर्ब के लिए आने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। वेल ड्रेन्ड सॉइल सूट्स द प्लांट, मैंने बेस्ट छोड़ दिया, ध्यान से सुनना, जो सबसे अच्छी जो आपकी मिट्टी होती है वो होती है जिसमें पानी आसानी से सोख जाए, ठीक है, वो कितना सूट करता है, वो सबसे ज़्यादा सूट करती है, तो कितना सूट करती है, बेस्ट सूट करती है, इसका मतलब ये मेरा वर्ब के लिए आया हुआ है। दूसरी बात, ये कंप्लीट एक अपने आप में एडजेक्टिव है, कंप्लीट एक एडजेक्टिव है, इसी वजह से यहाँ पर हाइफन लगाया गया। दोनों को जब एक ही तौर पर मानना कोशिश करते हैं तो मल्टीपल वर्ड्स के बीच में हम लोग हाइफन का यूज़ करते हैं, एक बार हाइफन का वीडियो देख लेना, ये डाउट्स क्लियर आपके हो जाएंगे। हर बेस्ट नॉन पोएम, अभी हर जो है वो आया है पोएम के लिए, जो कि पजेसिव आपका प्रोनाउन है। ये नॉन आपका क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव तरह काम कर रही है। सर ये एडजेक्टिव तरह क्यों काम कर रही है, ये वर्ब क्यों नहीं है, ये वर्ब तब होती जब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आई हुई होती, इसके पहले तो बेस्ट है, तो बेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि मेरा आया है किसी नाउन किसी वर्ब के लिए, और ये वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरी एडजेक्टिव है, क्लियर, तो यहाँ पर ही आपका एडवर्ब है। अब ये आपकी पास्ट पार्टिसिपल की थर्ड फॉर्म है, जो कि एडजेक्टिव तरह काम करती है, ये बात मैंने वर्ब एडवांस में डिटेल में बता रखा, आप जा करके देख लेना। एक यूज़ होता है द मोस्ट एक्सलेंट वे, द हाइएस्ट स्टैंडर्ड, सबसे अच्छा जो तरीका समझ में आता है, जैसे कि ही वर्क्स द बेस्ट इन द मॉर्निंग्स, मॉर्निंग्स का मतलब है जब भी सुबह में देखा जाता है, एक सुबह नहीं हर सुबह, कई सारी सुबह, सुबह में उसका जो काम करने का तरीका वो सबसे अच्छा होता है। तो काम करने का तरीका कैसा होता है भाई, तो सबसे अच्छा होता है एडवर्ब। ब्रिटेन्स बेस्ट ड्रेस्ड वुमेन, ब्रिटेन की जो सबसे अच्छी बेस्ट ड्रेस की महिला जो देखेगी वो ये वाली महिला है, कोई खास, तो यहाँ पर ड्रेस्ड आपकी एडजेक्टिव तरह यूज़ हुआ है, इसके पहले ये हो जाएगा एडवर्ब, और दोनों एक साथ यूज़ करनी इसलिए बीच में लगाया है हाइफन। द बीचेस आर ब्यूटीफुल, बीच काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, बट लेकिन देखा ये गया है बेस्ट ऑफ ऑल कि सबसे अच्छे जो हैं, सबसे अच्छे बीचेस होने के बावजूद देयर आर फ्यू, वेरी फ्यू टूरिस्ट्स, उसके बाद भी ना के बराबर टूरिस्ट यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन द मोस्ट सुटेबल या अप्रोप्रिएट वे, सबसे सही तरीके से, जैसे कि पेंटिंग इज़ बेस्ट डन इन डेलाइट, पेंटिंग करने जो सबसे अच्छा समय होता है
वो डेलाइट होता है दिन की रोशनी में। तो सबसे बेस्ट कब हो, सबसे अच्छी कब होती हैं, डन कब होती हैं सबसे बेस्ट में, तो आपकी डेलाइट में होती है। तो बेस्ट आपका डन के लिए आया हुआ है। डू एज यू थिंक बेस्ट, जो तुम्हें सबसे सही लगे तुम वो कर सकते हो। इसका मतलब वॉट यू थिंक इज द मोस्ट सुटेबल थिंग टू डू, जो तुम्हें लगता है कि ये सबसे सही करने के लिए, तो तुम उसको कर सकते हो। एक और देखिए, द हाइएस्ट स्टैंडर्ड दैट अ पार्टिकुलर पर्सन हैज रीच, कोई खास, सबसे खास स्थिति जो सबसे ऊपर की है वहाँ पर इंसान पहुँच चुका है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स वगैरह में। जैसे मैं बोलना चाहूँ, अ लाइफ टाइम बेस्ट ऑफ 12.0 सेकेंड्स। सपोज करो कि कोई आपकी पिच है या कोई आपका रास्ता है, मतलब दौड़ वाला, 100 मीटर की यहाँ पर रेस होती है। तो मैंने कहा सबसे अच्छा रिकॉर्ड अभी तक का क्या है, तो आपने कहा सबसे अच्छा रिकॉर्ड अभी तक का जो है 100 मीटर दौड़ में, वो 12 सेकेंड का है। यहाँ पर आपको ध्यान देना किस तरह से यूज़ हुआ है, कि इसका जो हाइएस्ट स्टैंडर्ड है अभी तक का, सबसे हाइएस्ट पॉइंट जो है वो 12 सेकेंड का है। अब बेस्ट किसी भी सेंटेंस में नाउन की जैसे कैसे यूज़ होता है उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर खास तौर पे बेस्ट के बाद नाउन छुपा हुआ होगा, ये आपको ध्यान देना है, और किसी न किसी नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसके बारे में पहले से बात हो गई होगी। याद रखना किसी न किसी नाउन के बारे में पहले से बात हो चुकी होगी, इस वजह से उस बेस्ट के अंदर वो इंसान या वो वस्तु या वो चीज़ छुपी हुई होंगी। खास तौर पर यहाँ पर यूज़ करने को मिलेगा द बेस्ट, जैसे कि द मोस्ट एक्सीलेंट थिंग और पर्सन, सबसे बेहतरीन चीज़ या इंसान। वी ऑल वॉन्ट द बेस्ट फॉर आर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं, या तो कोई चीज़ चाहते हैं या कोई एजुकेटर, कोई इंसान चाहते हैं। तो ये बेस्ट के अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ है। इससे पहले जब हम एडवर्ब का यूज़ कर रहे थे तब भी मैंने द बेस्ट ही केवल अगले लिखा हुआ दिखाया था, और बोला था मैंने कि कभी कभी द बेस्ट अकेला आएगा, लेकिन आपको ये समझना है वहाँ पर कि वहाँ पर वो आपका एडजेक्टिव है कि वो आपका नाउन है। तो यहाँ पर किसी न किसी थिंग या पर्सन को इंडिकेट ये बेस्ट कर रहा है, इसलिए ये आपका नाउन है और उसके पहले लगाया है आपका द। एक और देखिए, दे ओनली बाय द बेस्ट, उन्होंने सबसे अच्छी ही खरीदी है। अब कोई इंसान तो खरीदेगा नहीं, कोई बेस्ट कोई चीज़ ही खरीदी जाएगी। तो बेस्ट इंडिकेट कर रही कोई ना कोई चीज़ को, और मुझे पता कैसे चला, इस बाई ने बताया कि बेस्ट के अंदर कोई ना कोई वो चीज़ है, तो ये आपको हो जाएगा नाउन। दे आर ऑल गुड प्लेयर्स, वे सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, बट सी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन वो उन सब में सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी क्या है, तो आपने कहा प्लेयर्स है, क्योंकि प्लेयर मैं पहले से बोल चुका हूँ, इसका मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में इस वाले सेंटेंस में प्लेयर शब्द छुपा हुआ है। वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, इसका मतलब हम लोग सबसे घनिष्ठ दोस्त हैं, आपका यहाँ पर ये नाउन है। बेस्ट किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब का काम करती है तो बड़ा ही अजीब लगेगा आपको देख करके इसके फॉर्म पर। जब मैं बात करूँ इसके प्रेजेंट डेफिनेट के टेंस में, तो सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होता है बेस्ट फर्स्ट फॉर्म, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होता है बेट्स, एस और यस लगाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ में जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट पास्ट के इंडेफिनेट में आता है, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, तो सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है बेस्टेड। अगर बात करें पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म के बारे में, तो कोई भी सब्जेक्ट आए अकॉर्डिंग टू देयर हेल्पिंग वर्ब एंड टेंस, वहाँ पर यूज़ होगी बेस्ट थर्ड फॉर्म आपकी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और रेज होता है, सर एस और ईएस में डिफरेंस क्या है, कब एस और कब ईएस आता है? इसके लिए आपको टेंस के एडवांस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, जिसमें मैं ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। हर एक पॉइंट पर जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं एडवांस लेक्चर्स बना चुका हूँ आपको, वो मैं बताता रहूँगा, उसका रेफरेंस देता रहूँगा। आपकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको वो लेक्चर्स देखने हैं। अब सबसे अजीब आपको लगेगा देखने में इसकी आईएनजी फॉर्म में, जब इसकी आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी किसी सब्जेक्ट में टेंस और उसकी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, तो आईएनजी वर्ब बनती बेस्टिंग। अजीब लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर ये फॉर्म्स बनती हैं और ये फंक्शन भी करती हैं। जैसे कि बेस्ट समबडी का मतलब क्या होता है, टू डिफीट, या तो किसी को पराजित करना, या फिर टू बी मोर सक्सेसफुल देन एनीबडी, किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा सक्सेसफुल होना। जैसे कि ही वॉज डिटरमाइंड नॉट टू बी बेस्टेड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब वो और ज़्यादा हारेगा नहीं, बाई हिज ओल्ड राइवल, अपने पुराने प्रतिद्वंदी से। थोड़ा सा मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, टू बी के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो कि मैंने पैसिव वॉस में और वर्ब एडवर्ब से बताया था, जिसको बोलते हैं क्वाजाई पैसिव।
कॉजाई पैसिव का मतलब ये होता है कि आधा सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में लिखा होता है और आधा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। हो सकता है वो कॉजाई पैसिव बीच में सेंटेंस के आखिर में हो। आपका पैसिव वॉइस है और मैं दिखा देता हूँ। अ ग्रेट कॉलोनियल पावर, सशक्तिकरण करना या फिर एक तरीके से निवेश करना, वॉज नियरली बेस्टेड बाई आ फ्यू फार्मर्स। मतलब कुछ ऐसे खास या कुछ थोड़े ऐसे किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, जो अन्य दूसरे यानी किसानी तो बहुत भी लोग करते हैं लेकिन उनसे वो बहुत ही कम सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पर वॉज की थर्ड फॉर्म रखी है पैसिव वॉइस में, ये आपकी वर्ब है, यहाँ पर भी आपकी ये वर्ब है। बेस्ट से बनने वाले सारे आइडियाज अब हम डिस्कस करेंगे जो कि जो डेली हम लोग सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एक एडियम है जिसके ऊपर ठीक ऑल द बेस्ट नाम से मूवी बन चुकी है संजय दत्त की, काफ़ी फनी मूवी है, आप जरूर देखना उसको। इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी को गुड बाय बोल रहे होते हो तब बोलते हैं हम लोग हैं, या फिर जब कोई लेटर वगैरह लिखते हो तो किसी को अच्छी विशेस देने के लिए भी हम लोग ऑल द बेस्ट का यूज़ करते हैं। ऐसे ही एट लीस्ट का यूज़ कब करते हैं, जब आपके पास कोई एक ओपिनियन होती सबसे बेस्ट किसी इंसान या किसी वस्तु के लिए, या फिर द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, या फिर कोई ऐसी जो सबसे अच्छी हो सकती है जिसकी आप उम्मीद करते हो किसी खास बुरी परिस्थिति में। जैसे मैं बोलना चाहूँ देयर रिस्पॉन्स टू द प्रपोजल वॉज एट बेस्ट कूल, उनका जो प्रपोजल रिस्पॉन्स है प्रपोजल प्रति, वो अभी तक का जो हमें समझ में आया है वो सबसे अच्छा उन्होंने प्रपोजल अपना दिया है। वी कांट अराइव बिफोर फ्राइडे एट बेस्ट, हम पूरी ताकत लगा देंगे फिर भी हम फ्राइडे से पहले नहीं आ पाएंगे, जब तक तो अपनी पूरी ताकत लगा दें, पूरी कोशिश कर देंगे। एज बेस्ट यू कैन का मतलब क्या हुआ, नॉट परफेक्टली, मैं जानता हूँ कि तुम पूरी ताकत लगाओगे बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम जितनी चाहते हो जितना कर सकते हो उतना तो तुम जरूर करना। वी ऑल मैनेज एज बेस्ट वी कैन, हम लोगों ने वो पूरी ताकत वो पूरा मैनेज करने की कोशिश की जितना हम कर सकते थे। ईडियम है आपका बी ऑल फॉर द बेस्ट, ऑल आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, टू से दैट ऑल दो समथिंग appears बैड और अनप्लीजेंट नाउ, मान के चलो कोई चीज़ अभी ख़राब है वो सही नहीं है लेकिन उम्मीद करते हैं हम लोग के फ्यूचर में उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। आई डोंट वॉन्ट यू टू लीव, मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रयास को इस एफर्ट्स को अभी छोड़ो मत, बट परहैप्स इट इज़ फॉर द बेस्ट, हो सकता है कि आगे चल के तुम इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिले। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो स्टार्टिंग में ही हार जाते हैं कि हम पर होगा नहीं, लेकिन अगर वो लगे रहें भले ही उनका मन बिल्कुल टूट चुका हो लेकिन आगे चल कर अगर वो कंसिस्टेंसली लगे रहते हैं कॉन्स्टेंटली वहाँ पर लगे रहते हैं तो कंटिन्यू एफर्ट्स से उनको जरूर ही सफलता मिलती है, ऐसी उम्मीद की जाती है और मिलती भी है। एक और देखते हैं द बेस्ट ऑफ अ बैड बंच का मतलब क्या हुआ, द बेस्ट ऑफ अ बैड लॉट, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ऐसे ही बोला जाता है, अ पर्सन और थिंग दैट इज अ लिटिल बेटर देन द रेस्ट ऑफ अ ग्रुप, कोई एक इंसान या कोई चीज़ जो अपने बहुत सारे लोगों या वस्तुओं में से ज़्यादा अच्छी है, ऑल दो नन आर वेरी गुड, सब कुछ अच्छा नहीं है लेकिन समथिंग इज बेटर देन, सब कुछ बुरी चीज़ों में कोई एक अच्छी चीज़ मिल जाती ना तो हम बोलते हैं वहाँ पर द बेस्ट ऑफ अ बैड बंच, बहुत बुरे यानी एक ग्रुप में से कोई थोड़ी बहुत अच्छी चीज़। द बेस्ट पिक ऑफ द बंच का मतलब क्या हुआ है, द बेस्ट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, या तो बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे इंसान हैं या लोग हैं उनमें से कोई एक खास ग्रुप अच्छा। द बेस्ट ऑफ लक विद समथिंग यहाँ पे ऑप्शनल है, ऐसी गुड लक में विद समथिंग ऑप्शनल है, गुड लक आपने सुन रखा है, टू विश समबडी सक्सेस विद समथिंग, किसी इंसान को किसी चीज़ में सफलता मिलने के लिए। द बेस्ट ऑफ लक विद योर एग्ज़ाम्स, तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत विशेस मेरी तरफ से कि तुम एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करो। गुड लक आई होप इट गोज़ वेल, गुड लक मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा सब कुछ रहेगा। द बेस्ट ऑफ थ्री या फाइव ऐसे आप बोल सकते हो, खासतौर पर इसको स्पोर्ट्स या गेम में यूज़ किया जाता है, अप टू थ्री फाइव एसेट्रा गेम्स प्लेड टू डिसाइड हु विंस, दो तीन चार पाँच कुछ गेम्स खेले जाते हैं ताकि ये पता चले कि जीत कौन रहा है, द विनर बींग द पर्सन हु विंस मोस्ट ऑफ देम, जिसमें जो ज़्यादा जीतेगा वही विनर कहलाएगा। द बेस्ट दैट मनी कैन बाय, ये काफ़ी सुन रखा होगा,
द वेरी बेस्ट, इसका मतलब सबसे अच्छा। वी मेक श्योर आर क्लाइंट्स गेट द बेस्ट दैट मनी कैन बाय, हम अपने क्लाइंट्स को सबसे अच्छा देने की कोशिश करते हैं, जितना हमसे हो सकता है वो सबसे अच्छे से अच्छा देने के अपने क्लाइंट्स को कोशिश करते हैं। डू मीन या डू लगाओ या मीन लगाओ समथिंग फॉर द बेस्ट, मतलब डू और से समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव अ गुड रिजल्ट और टू हेल्प समबडी। जब ये हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई अच्छी चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, या फिर हम किसी की मदद करना चाहते हैं। जैसे कि आई जस्ट डोंट नो वॉट टू डू फॉर द बेस्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, या फिर इसका एक मतलब ये भी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी मदद कैसे की जाए। जो भी हो वहाँ पर नाम नहीं लिया गया है। आई एम सॉरी इफ़ माई एडवाइस ऑफेंडेड यू, मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें मेरी सलाह बुरी लगी हो। आई मीन्ट इट फॉर द बेस्ट, मेरा मानना ये था कि तुम्हें मेरी एडवाइस से सबसे अच्छा रिजल्ट मिले, सबसे अच्छा तुम्हारे साथ में हो। हैव या गेट का यूज़ करेंगे, द बेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब टू गेन मोर एडवांटेज फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाना देन समबडी एल्स, कोई दूसरा इंसान जितना फ़ायदा उठा रहा है ना उससे ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लो। जैसे कि आई थॉट, कंजंक्शन छुपा हुआ है, आई थॉट यू हैड द बेस्ट ऑफ ऑल दैट डिस्कशन, मुझे ऐसा लगा था कि तुमने डिस्कशन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया होगा दूसरे लोगों से की तुलना में। होप फॉर द बेस्ट, ये सबसे ज़्यादा सुना होगा आपने ऑल द बेस्ट के बाद। होप दैट समथिंग विल हैपन सक्सेसफुली, आप उम्मीद करते हैं कि काम सही से पूरा हो जाएगा, ख़ास तौर पर तब जब आपको ऐसी उम्मीद हो कि वो शायद नहीं होगा ऐसा। आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। आई कैन एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसकी आंसर्स दे दूँ, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये निकल रहा है कि तुम्हारे पास सारे वो आंसर नहीं हैं। मेक द बेस्ट ऑफ समथिंग या फिर इट, ये भी काफ़ी सुनने में आता है, या फिर इसकी जगह एक और बोला जाता है मेक द बेस्ट ऑफ थिंग्स, ये भी बोला जाता है, या फिर एक और बोला जाता है मेक द बेस्ट ऑफ अ बैड जॉब, मतलब टू एक्सेप्ट अ बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी बुरी या कठिन परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। डू एज वेल एज यू कैन, जितना तुम कर सकते हो उसको उतना कर सकते हो। योर संडे बेस्ट का मतलब क्या हुआ, योर बेस्ट क्लॉथ्स, ये काफ़ी ह्यूमरस वे में बोला जाता है, इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है, मतलब केवल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है। जैसे मैं बोलूँ आई पुट ऑन माई संडे बेस्ट फॉर द ओकेशन, अब संडे बेस्ट का मतलब जनरली यहाँ पे कोई निकाल नहीं पाएगा अगर किसी को खास इंग्लिश नहीं आती है। अब आपको ये मालूम चल गया, अगर कोई ये बोलेगा आपके सामने तो आप कन्फर्म कर लोगे कि सामने वाले इंसान ये कह रहा है कि संडे के यानी कि ओकेशन के लिए उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, ना कि किसी खास दिन के लिए। ठीक है, संडे की जगह मंडे मत कर देना। टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज या फिर बिलीफ का मतलब क्या हुआ, एज फार एज यू नो, जहाँ तक तुम जानते हो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस तरह से इसको बोला जाता है। ही नेवर मेड अ विल, उसने कभी कोई इच्छा नहीं जताई है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक मुझे याद है आज तक उसने ऐसी कोई भी अपनी खास इच्छा नहीं जताई है। विद द बेस्ट ऑफ देम ऑप्शनल है यहाँ पर, एज वेल एज एनी वन, सभी के समान, किसी भी इंसान के समान, जैसे कि ही विल बी आउट देयर डांसिंग विद द बेस्ट ऑफ देम, वो वहाँ पे मिल जाएगा तुम देख लेना, और किसी न किसी के साथ में भी डांस कर रहा होगा, किसी के भी साथ में डांस वो कर रहा होगा। एज वेल एज एनी वन का मतलब किसी भी के साथ में, चलिए ना उसको देख लें, वो वहाँ पर मिल जाएगा और देख लेना, किसी न किसी के साथ में तो डांस वो कर ही रहा होगा। आई होप आपको बेस्ट के यहाँ तक सारे A to Z यूजेस समझ में आए होंगे डिटेल में। आप हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी से जुड़िए और टेलीग्राम पर जा कर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक बट के सारे रूल समझ में आ गए होंगे डिटेल में। इनको तैयार कीजिए, रेडी कीजिए, PDF को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल देखिए। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट के बारे में। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सभी लोग कहेंगे सर बेस्ट एक पॉजिटिव डिग्री, गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें जानना क्या है। मैं जानता हूँ कि आप जानते हो कि ये सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है। क्या ये आप जानते हो कि बेस्ट एक एडवर्ब भी है? हाँ, कुछ लोग जानते होंगे कि बेस्ट एक एडवर्ब भी है, लेकिन
बेस्ट एक नाउन भी होता है, बेस्ट एक वर्ब भी होता है, और बेस्ट के कुछ ईडियम्स ही बनते हैं डेली लाइफ वाले, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट के कंप्लीट 24 या उससे ज़्यादा यूजेस ए टू जेड, बहुत ही डीपली में जाकर के एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि कभी ये एडवर्ब, कभी ये एडजेक्टिव, कभी ये नाउन, कभी ये वर्ब की तरह काम करती है। खास तौर पे आपको वर्ब वाले कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारी चीज़ नई नई देखने को मिलेंगी, और आपको बड़ा ही अजीब लगेगा कि हमने अभी तक बेस्ट क्यों ऐसा नहीं पढ़ा है। मैं गारंटी लेता हूँ पूरे यूट्यूब पर बेस्ट के बारे में किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, और बेस्ट को इसके पढ़ने के बाद कोई भी पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट यही मिल जाएंगे।